तारीख 30 जनवरी 1948 तीन गोलियां एक जिंदगी का अंत बापू की जिंदगी का आखिरी दिन 30 जनवरी 1948 का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने बापू को दिल्ली के बिरला भवन में तीन गोलियां मारी थी। देश ने आजादी के 6 महीने के बाद ही गांधी जी को खो दिया था लेकिन बापू की मौत के 68 साल बाद भी देश के लोगों के मन में सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त में गांधी जी के साथ चलने वाले गोडसे एक दिन उनकी जान के दुश्मन बन गए। जानकारों के मुताबिक गोडसे गांधी की नीतियों से परेशान थे। गोडसे मानते थे कि मुस्लिम लीग में गांधी का भी सहयोग है और वो गांधी को हिंदू विरोधी मानने लगे थे। जिस गांधी को देश देवता की तरह पूजता था गोडसे उसे देश के बंटवारे का दोषी मानता था। इन सब बातों ने गोडसे को गांधी की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था लेकिन आज 68 साल बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े मुकदमे में नाथूराम गोडसे के बयान सहित अन्य संबंधित रिकॉर्ड्स को तुरंत नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। सूचना आयुक्त ने कहा कोई नाथूराम गोडसे और उनके सह आरोपी से इंतफाक भले ही न रखे लेकिन हम उनके विचारों का खुलासा करने से इनकार नहीं कर सकते ना ही नाथूराम गोडसे और ना ही उनके सिद्धांतों और विचारों को मानने वाले व्यक्ति किसी के सिद्धांत से असहमत होने की स्थिति में उसकी हत्या करने की हद तक जा सकता है। याचिका दायर करने वाले आशुतोष बंसल ने दिल्ली पुलिस से इस हत्याकांड की चार्जशीट और गोडसे के बयान समेत अन्य जानकारियां मांगी हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके आवेदन को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास ये कहते हुए भेज दिया कि संबंधित रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव्स को सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि सूचना 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी है ऐसी स्थिति में यदि वो आरटीआई कानून के सेक्शन 81A के तहत नहीं आता तो उसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता। इस सेक्शन के तहत देश की सुरक्षा या दूसरे देशों से रिश्तों को प्रभावित करने वाली सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सूचना आयुक्त ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वो आवेदन को महात्मा गांधी मर्डर केस की चार्जशीट और गोडसे के बयान की प्रमाणित प्रति 20 दिन के भीतर उपलब्ध कराए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।